यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिडक्शन फेज ऑफ द केल्विन बेंसन साइकिल। केल्विन बेंसन साइकिल में से निम्न में से कौन सी जो रिएक्शन है वो रिडक्शन फेज के दौरान होती है। ठीक है, तो हमें पहले केल्विन बेंसन साइकिल पता होना चाहिए, उसी के बाद हम उसका पता लगा सकते हैं कि कौन सी जो रिएक्शन है इनमें से वो रिडक्शन फेज के दौरान होती है। तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, तीन ही जो है रिडक्शन, तीन ही फेज होती हैं केल्विन बेंसन साइकिल, जिसको हम बोलते हैं C3 साइकिल। ठीक है, तो ये जो केल्विन बेंसन साइकिल है, इसे समझते हैं हम पहले कि ये किस तरह से फंक्शन करता है, क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसी चीज़ को, तो जो केल्विन बेंसन साइकिल होता है वो एक प्रकार से CO2 को क्या करता है, फिक्स करता है। ठीक है ना, CO2 को फिक्स करता है, और इसमें तीन कार्बन वाला जो है वो एक स्थायी उत्पाद बनता है, इसलिए इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, केल्विन बेंसन साइकिल में एक पांच कार्बन वाली शर्करा होती है, मतलब एक पदार्थ होता है जिसको बोला जाता है RuBP। क्या होता है वो, RuBP होता है। ठीक है, RuBP, और इसको वैसे बोला जाता है राइबुलोज, राइबुलोज 1,5-1,5 बाई फॉस्फेट। ठीक है, ये होता है यहाँ पर। अब ये क्या करता है, ये CO2 को कैप्चर करता है। ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस होता है तो ये CO2 को क्या करता है, यहाँ पर कैप्चर करता है, CO2 को फिक्स करने का काम करता है। तो यहाँ पर तीन कार्बन जो होती है CO2 के, मतलब तीन अणु जो होते हैं वो CO2 के, उनको फिक्स किया जाता है एक बार में। तो यहाँ पर टोटल 6 अणु जो है वो 3 PGA के बनते हैं। ठीक है, कितने अणु बनते हैं, 6 अणु बनते हैं, किसके, 3 PGA के। 3 PGA का मतलब है यहाँ पर 3-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है ना, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 3 PGA के अणु बनते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है कार्बन फिक्सेशन। क्या बोला जाता है इसको, कार्बन का फिक्सेशन हो रहा है, इसलिए प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, कार्बन फिक्सेशन। ठीक है, फिक्सेशन। चलिए, अब ये जो 3 PGA के जो अणु होते हैं 6, ये ATP का उपयोग करते हैं। यहाँ पर किसका उपयोग करते हैं, ATP का। ठीक है, ATP का उपयोग किया जाता है यहाँ पर, 6 ATP जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाते हैं, और 6 ADP बनाया जाता है। ठीक है, और ये जो ATP जो फॉस्फेट इसमें से जो निकलता है वो इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट के साथ में बाइंड हो जाता है और बना लेता है, यहाँ पर 6 अणु बनते हैं 6 3 PGA के, और वो बना लेता है यहाँ पर 6 अणु बनेंगे वही 1,3-20-फॉस्फो-20-फॉस्फोग्लिसरेट के। ठीक है, ग्लिसरेट, समझ में आई बात, क्या बनाएगा, 6 अणु बनाएगा किसके, 1,3-20-फॉस्फोग्लिसरेट के, क्योंकि यहाँ 3 नंबर पर जो है ऑलरेडी फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ एक नंबर पर और जोड़ दिया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं 1,3-20-फॉस्फोग्लिसरेट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 1,3-20-फॉस्फोग्लिसरेट है, इसका होगा रिडक्शन, रिडक्शन होगा यहाँ पर 6 NADPH के द्वारा। ठीक है, NADPH के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर बन जाएंगे 6 NADP, 6 NADP बन जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रिडक्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, रिडक्शन बोलेंगे। बात समझ में आ गई, ये हो गया हमारा रिडक्शन। अब यहाँ पर क्या बनेगा, जब ये रिडक्स रिड्यूस हो जाएगा, तो रिड्यूस होकर ये बनाएगा 6 6 ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। क्या बनाएगा, 3-फॉस्फेट। ठीक है, 3-फॉस्फेट बनाएगा, इसको बोलते हैं हम G3P, शॉर्ट में इसको क्या बोला जाता है, G3P बोला जाता है। 6 अणु बन गए। अब इन 6 अणु में से एक अणु जो होगा, इस 6 में से एक जो होगा वो या तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, ग्लूकोज में, या फिर कोई दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लेगा। ठीक है, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर तैयार हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ठीक है, अब 6 में से एक तो चला गया यहाँ पर, अब बच गए कितने, 5। तो ये 5 जो है यहाँ पर 5G3P, यानी कि 5 ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट,
ये क्या करेगा भाई, ये जो है वापस से एटीपी का उपयोग करेगा और वापस से रिजनरेट कर देगा किसको, इस रूबीस, ये जो है RUBP, इसको ठीक है, किसको, ये यहाँ पर फिर से क्या करेगा, एटीपी का उपयोग करेगा, 3 ATP यहाँ पर यूटिलाइज करेगा और 3 ADP बनाएगा, और ये 3 ATP 3 ADP में कन्वर्ट होंगे और वापस से आपके तीन जो है, तीन अणु राइबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट के तैयार हो जाएगी। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम रीजनरेशन प्रोसीजर। कौन सा प्रोसीजर बोलेंगे इसको, रीजनरेशन प्रोसेस, ठीक है, समझ में आ गया। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, तीन चार चीज़ें याद रखनी होती है इसके अंदर, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर है सबसे पहले RUBP, ठीक है ना, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, RUBP है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं, सबसे पहले क्या है यहाँ पर, RUBP है। तो ये RUBP जो है, ये RUBP क्या कर रहा है यहाँ पर, देखो ध्यान से समझना है, ये RUBP जो है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कैप्चर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो कैप्चरेशन हो रहा है वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहाँ पर एक एंजाइम काम लिया जाता है जिसको बोला जाता है रूबिस्को। क्या बोला जाता है, रूबिस्को, जो कि दुनिया के अंदर पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाने वाला एंजाइम है रूबिस्को, उसकी उपस्थिति में ये काम किया जाता है और यहाँ पर बना दिया जाता है क्या आपका, 3 PGA, ठीक है, क्या बना दिया जाता है, 3 PGA बना दिया जाता है। अब ये जो 3 PGA होता है, ये 3 PGA यहाँ पर ATP का उपयोग करता है और ATP का उपयोग करके ये बना लेता है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। अब ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो होता है, ये वापस से जो है रिड्यूस होता है NADPH2 की उपस्थिति में और बना लेता है यहाँ पर ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, क्या बना लेता है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो हमसे जो इक्वेशन जो पूछी गई है वो रिडक्शन की पूछी गई है, यहाँ पर तो फिक्सेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिजनरेशन हो रहा है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ध्यान से समझते हैं अब दोबारा से हम, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस ड्यूरिंग द रिडक्शन फेज। रिडक्शन फेज जो केल्विन बेंसन साइकिल है उसके अंदर रिडक्शन फेज में निम्न में से कौन सी रिएक्शन परफॉर्म की जाती है, ठीक है, तो ऊपर से चलते हैं, राइबुलोज 1,5-बाई फॉस्फेट टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनता है वह राइबुलोज 1-बाई फॉस्फेट से, तो वो रिएक्शन है कार्बन फिक्सेशन। तो ये वाला फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये तो किसका है, यहाँ पर कार्बन फिक्सेशन का है, ठीक है, यहाँ तो क्या हो रहा है, कार्बन फिक्सेशन हो रहा है। दूसरा देखते हैं, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट टू ग्लिसरेल्डिहाइड। देखो 1,3 जो है आपका 20-फॉस्फोग्लिसरेट है और इस 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन रहा है, यहाँ पर ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है रिडक्शन में। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड टू ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है। तो ये प्रोसेस कौन सा हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया, और हमसे पूछा भी यही गया है। तो हमारा जो आंसर है करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पर वो यही बन रहा है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है यहाँ, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से क्या बन रहा है, ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन रहा है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया जो कि हमसे रिडक्शन के अंदर पूछा गया है, ठीक है। अब यह पूछा गया है डायहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट 2-फ्रक्टोज 1,6-बाई फॉस्फेट, तो ये होता है नहीं, ये ग्लाइकोलाइसिस में होता है ऐसा कुछ, ठीक है। राइबुलोज 5-फॉस्फेट टू राइबुलोज 1,5-बाई फॉस्फेट, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है ना, राइबुलोज 1,5-बाई फॉस्फेट है यहाँ पर, यहाँ पर जो है 3 G3P है, यानी कि ग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से सीधा डायरेक्ट राइबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट बनता है। तो ये प्रोसेस भी यहाँ पर नहीं है इस साइकिल के अंदर, हमने देखा केल्विन बेंसल के साइकिल में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर का, जो कि हमने इस साइकिल को समझा, साइकिल को समझकर हमने आंसर यहाँ पर निकाला है। तो उम्मीद है आपको ये जो है समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।